चिट्ठी का सफर पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ, इन शब्दों के अर्थ हम समझ लेंगे तो पाठ को समझने में आसानी होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब होता है बच्चों पत्र, चिट्ठी का मतलब होता है पत्र। सफर, सफर का मतलब यात्रा, जब आप कभी बाहर जाते हैं तो बोलते हैं हम सफर में हैं, तो सफर का मतलब बच्चों होता है यात्रा। गौर से, गौर से ध्यान से। गंतव्य, गंतव्य का मतलब होता है बच्चों पहुंचने का स्थान, जिस स्थान पर हमें जाना होता है उसे कहते हैं गंतव्य। जाहिर है, जाहिर है मतलब स्पष्ट। निरंतर, निरंतर का मतलब होता है बच्चों लगातार, निरंतर का मतलब होता है लगातार। बेहद, बेहद का मतलब होता है बच्चों अत्यधिक, बेहद क्या मतलब होता है अत्यधिक। अगला शब्द है दुर्गम, दुर्गम का मतलब होता है कठिन। दिलचस्प, दिलचस्प अर्थ होता है मजेदार। प्रजाति, प्रजाति का मतलब होता है बच्चों किस्म। प्रशिक्षित, प्रशिक्षित का मतलब अच्छी तरह से सीखे हुए, प्रशिक्षित का मतलब क्या होता है अच्छी तरह से सीखे हुए। प्रवासी, प्रवासी का अर्थ होता है बच्चों अपने देश से जाकर बाहर रहने वाला या अपने शहर से जाकर बाहर रहने वाला। संदेश, खबर या सूचना, संदेश का मतलब होता है खबर या सूचना। इस्तेमाल, उपयोग, इस्तेमाल का अर्थ होता है उपयोग। तो बच्चों ये सभी प्रश्नोत्तर, सभी शब्दार्थ आपको समझ में आ गए होंगे, ये शब्द इनको अच्छे से इनका समझ लिया होगा तो ये लेसन आपको अच्छे से समझ में अब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ में आए हुए विलोम शब्द। मैंने आपको बताया था विलोम शब्द किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है, मालूम है सभी को। तो बच्चों पहला शब्द है दुर्गम, दुर्गम का विलोम शब्द होता है बच्चों सुगम। दुर्गम जहां बड़ी कठिनाई से पहुंचा जाता है, कठिन मार्ग होता है, लेकिन सुगम जहां आसानी से पहुंच जाते हैं, तो दुर्गम का विलोम हो गया सुगम। आम, आम का विलोम शब्द होता है खास। सीमित, सीमित का बच्चों होता है असीमित। सीमित पर किसी चीज का सीमित कि इतना ही है इसी क्षेत्र में, असीमित इसकी कोई सीमा नहीं। तो बच्चों सीमित का विलोम शब्द होगा असीमित। उपयोगी, उपयोगी का अनुपयोगी, आपको कभी कभी कहते ना ये चीज अनुपयोगी है, तो उपयोगी का विलोम क्या हो जाएगा अनुपयोगी। गांव, गांव का हो जाएगा बच्चों विलोम शब्द शहर, क्या हो जाएगा शहर। पास, पास का दूर, पास का दूर, तो बच्चों पास का विलोम शब्द होता है दूर। सवाल, सवाल का विलोम शब्द होता है जवाब। जल्दी, जल्दी का विलोम शब्द होता है देरी, कभी कभी कहते हैं ना आप जल्दी करो, तो जल्दी का मतलब देर, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा देरी से, ठीक है ना देर। बच्चों सभी को समझ में आ गया पाठ में आए हुए कुछ शब्द और जिनका हम बहुवचन बनाएंगे, इधर शब्द दिए हुए हैं और इसका इधर बहुवचन शब्द बनाकर हमने लिखा। तो बच्चों देखिए पहला शब्द आया है कस्बा, कस्बा का बहुवचन क्या होगा कस्बे। कस्बा का मतलब एक कस्बा, और जब एक से अधिक संख्या होती है तो बहुवचन हो जाता है, तो कस्बा का क्या हो जाएगा कस्बे। प्रजाति, प्रजाति का बच्चों बहुवचन होता है प्रजातियां, क्या होता है प्रजातियां। सेवा, सेवा का बहुवचन शब्द होता है सेवाएं। इसी प्रकार से देखो बच्चों हरकारा शब्द है ना हरकारा, तो हरकारा का बहुवचन होता है हरकारे, हरकारा का बहुवचन शब्द बनेगा हरकारे। चिट्ठी, चिट्ठी का बहुवचन चिट्ठियां, आप एक चिट्ठी डालते हो ना और वहां जब डाल घर में जाते बहुत सारी चिट्ठियां होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे चिट्ठियां, तो चिट्ठी का बहुवचन होता है चिट्ठियां। एक का बहुवचन अनेक, एक एक बहुवचन बहुत ढेर सब क्या कहेंगे अनेक, एक से अधिक अनेक। इकाई, इकाई का बहुवचन बच्चों होता है इकाइयां, इकाई का बहुवचन क्या बनेगा इकाइयां।
बच्चों ये बहुत ही आसान शब्द है और मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। सभी को समझ में आ गया? Yes, बहुत अच्छे। इनको अच्छे से राइटिंग में, बढ़िया राइटिंग में सुंदर सा आप कॉपी में इनको उतार। आज में आए हुए बच्चों कुछ शब्द हैं जिनका हम लिंग बदल करके लिखेंगे। इधर हमने शब्द लिखा है और इनका लिंग बदल करके इधर हमने शब्द बनाया है। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। सम्राट, सम्राट का जब हम लिंग बदलेंगे तो शब्द बन जाएगा सम्राज्ञी। क्या बनेगा? सम्राज्ञी। पुरुष, पुरुष का लिंग बदलेंगे तो क्या बनेगा? औरत। विद्वान, विद्वान के बच्चों जब हम लिंग बदलते हैं इसका शब्द बनता है विदुषी। विद्वान में क्या बनेगा? विदुषी। कबूतर, कबूतर का बच्चों होता है मादा कबूतर। क्या होता है? मादा कबूतर। घोड़ा, घोड़ा का लिंग बदलेंगे तो बनेगा शब्द, स्त्रीलिंग शब्द बनेगा घोड़ी। युवक, युवक का लिंग बदलेंगे तो इसका शब्द बनेगा युवती। लिंग है और यह शब्द है स्त्रीलिंग, तो युवक का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? युवती। इधर है शिष्य, शिष्य का जब हम लिंग बदलेंगे बच्चों वो हो जाएगा शिष्या। क्या हो जाएगा? शिष्या। डाक सेवक, डाक सेवक का जब हम लिंग चेंज करेंगे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में? डाक सेविका। पहले तो नहीं होते थे लेकिन आज के समय में डाक सेविकाएं भी हैं, तो डाक सेवक का होता है लिंग बदलने पर डाक सेविका। तो आसान है ना? सम्राट का सम्राज्ञी, पुरुष का औरत, विद्वान का विदुषी, कबूतर का मादा कबूतर, घोड़ा का घोड़ी, युवक का युवती, शिष्या शिष्य का शिष्या और डाक सेवक का डाक सेविका। सभी समझ में आ गया? Yes, मजा आ गया?